क्या मोदी विरोधी मिलकर लोकसभा में 200 सीटें पा रहे हैं या उनका नंबर 100 के भी नीचे से मट रहा है? इंडी गठबंधन कितना कामयाब होगा ये यूपी के रिजल्ट से पता चलेगा। 7 साल बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से साथ हैं। इन दोनों की जोड़ी क्या बीजेपी को रोक पाएगी? अखिलेश के पीडीए से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक दूर होते जा रहे हैं, सहयोगी अलग हो रहे हैं। अखिलेश यादव का फोकस परिवार की 5 सीटों पर सिमट गया है। यूपी को लेकर अखिलेश की क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या अखिलेश यादव इंडी गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी है? क्या यूपी की 80 सीटों का नतीजा अखिलेश यादव को पता चल गया? क्या अखिलेश इस बार पूरा यादव लैंड हार जाएंगे? इंडिया अलायंस में सीटों के हिसाब से सबसे बड़ी जिम्मेदारी 80 सीटों की अखिलेश यादव के पास है। मोदी के मिशन 400 की सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश हो सकते थे। जितनी जरूरत इंडी को अखिलेश की है उससे ज्यादा अखिलेश इंडी गठबंधन के भरोसे है। यूपी में मोदी योगी 80 में 80 का दावा कर रहे हैं, अखिलेश 80 में बीजेपी को रोकने की बात करते हैं, लेकिन सच तो ये है अखिलेश के पास 5 गढ़ बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। 2017 से हर चुनाव में अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर नया प्रयोग करते आए हैं। 7 साल में न उन्हें कामयाबी मिली और न ही वो अपने सहयोगियों को सहेज कर रख पाए। 2024 में अखिलेश एक बार फिर राहुल गांधी के साथ है। यही जोड़ी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी साथ थी और इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी हार मिली थी। 2012 में 224 से समाजवादी पार्टी 47 पर सिमट गई, कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को सिर्फ 2 सीटें मिल रही। दूसरे सर्वे में भी गठबंधन का स्कोर 3 से ऊपर नहीं बढ़ रहा, मगर समाजवादी पार्टी के सपने इससे बहुत ज्यादा है। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में है दोनों सरकारों का, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, और इसलिए जो गठबंधन है उसकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और बीजेपी की कम से कम 40 सीटें उत्तर प्रदेश में हम कम कर दें। तारीखों का ऐलान हो चुका है, प्रचार जोरदार शुरू हो चुका है, समाजवादी पार्टी की 4th लिस्ट भी आ गई, लेकिन अखिलेश का नाम कहीं नहीं आया। अखिलेश कन्नौज से लड़ेंगे या नहीं इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं किसी को नहीं पता। जब गठबंधन के टॉप लीडर्स कंफ्यूज हैं, तो इसका इंपैक्ट ग्राउंड लेवल तक आता है। 2024 में यादव परिवार के 4 सदस्य चुनाव में उतरे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से शिवपाल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो सीट है जहां पर जीतने के चांसेस समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा है। आजमगढ़ के लोगों के सहयोग और समर्थन के कारण कोई टफ नहीं है। ठीक है, चुनाव में बाई इलेक्शन में हमारी हार हुई बहुत माइनर मार्जिन से, और मैं मानता हूं इस बात को। उस समय की जो परिस्थितियां थी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से जो उस समय के उम्मीदवार थे जो 2,66,000 का स्कोर किए थे, मेरे लिए फख्र का विषय है कि आज वो हमारे चुनाव में से पहले समाजवादी पार्टी के न केवल सदस्य हैं, कल के हमारे चुनाव के उम्मीदवारी की घोषणा के बाद जिस कदर सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया है रणी गुड्डू जमाली जी ने, और आजमगढ़ में 10 के 10 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ठीक है, एक एक्सीडेंटल हार थी, उस हार के समय भी मैंने काउंटिंग से निकलने के बाद वहाँ की पार्टी के लोगों के बीच कहा था कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे एकजुट पार्टी है। आजमगढ़ की इस हार से उस समय भी मैं विचलित नहीं हुआ था। मैंने उस समय भी कहा था काउंटिंग के बाद कि मैं चुनाव हारा हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ।
और आजमगढ़ के लोग, मुझे यकीन है, भरोसा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के सम्मान को बढ़ाते हुए उनके उम्मीदवार और सिपाही के तौर पर मुझे जरूर कामयाबी नहीं करेंगे बल्कि ऐतिहासिक तौर पर कामयाब करेंगे। अखिलेश यादव ने जिस तरह से यूपी में टिकट बांटे, उसके बाद पीडीए की नई डेफिनेशन वायरल हो रही है। अखिलेश का पीडी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अखिलेश घूम फिरकर परिवार पर ही आ गए, बीजेपी इसी परिवारवाद को मुद्दा बना रही है। आजमगढ़ में अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव और निरहुआ आमने सामने है। मुझे लगता है कि अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को किसी यादव को लड़ाना था तो आजमगढ़ में यादवों की कमी नहीं है, पूर्वांचल में यादवों की कमी नहीं है, यहीं से किसी प्रत्याशी को देना चाहिए था। पर वही है कि उनको अपने परिवार के बाहर कोई यादव दिखता नहीं है, दिक्कत यही है। उनको लगता है कि यादव सिर्फ उनके घर में पैदा हुए हैं, बाकी कहीं कोई है ही नहीं, कोई इस योग्य भी नहीं समझते किसी को। तो जनता भी ये बात जान चुकी है, समझ चुकी है, और 22 में भी आजमगढ़ की जनता ने उनको जवाब दिया था कि जब हर बार आपको अपने घर से ही प्रत्याशी भेजना है तो बस करिए, और जनता जो है मेरे साथ आ गई थी और हम लोग 22 में जीते थे। और अब जो है 24 में और ज्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव एक बार निरहुआ से चुनाव हार चुके हैं। आजमगढ़ कभी यादव परिवार का गढ़ था, लेकिन अब यहाँ के यादव यादव परिवार के साथ नहीं है। रमाकांत यादव इसका सबसे बड़ा सैंपल है। वो बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों पार्टियों के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। 2022 के बाई इलेक्शन में तो निरहुआ ने यादव परिवार को हराया था। यूपी में चुनाव अभी भी मुलायम सिंह के नाम पर लड़ा जा रहा है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव क्यों जीतेंगे, उन्हीं से सुनिए। और सदे नेताजी, जिनके बारे में उन्होंने हमेशा कहा, जब वो आजमगढ़ से लोकसभा के सदस्य नहीं भी थे उससे पहले भी कहते थे, और मुझे याद है जब मैं छात्र जीवन में था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बहुत सारे नौजवान, बड़ी तादाद में आजमगढ़ के नौजवानों के साथ में रहा, तो अक्सर नेताजी ने कहा अपने भाषणों में कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। और नेताजी ने इस कदर आजमगढ़ के लोगों को और आजमगढ़ के लोगों ने नेताजी को माना। मुझे याद है 2014 के चुनाव में जहाँ नेताजी मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे थे, मैनपुरी से लड़ते हुए भी आजमगढ़ के लोग जिद करके नेताजी को लेके गए थे और फाइनली नेताजी ने आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व किया 14 के चुनाव में। 19 के चुनाव में जब नेताजी वापस मैनपुरी पहुँचे तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे क्षेत्र के लोगों के बीच जाके उनकी सेवा करने का मौका मिले, पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिले, मैं समझता हूँ मेरे लिए ही नहीं बल्कि किसी भी समाजवादी नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए बहुत गौरव का विषय है। अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव के नाम पर मुहर लगा दी, लेकिन ऐलान से पहले भी आजमगढ़ प्रचार के लिए नहीं गए। पिछले 2 महीने में अखिलेश यादव कन्नौज नहीं गए, 1 महीने से मैनपुरी नहीं गए, बदायूं नहीं गए, 3 हफ्ते से फिरोजाबाद नहीं गए। अखिलेश यादव लखनऊ से यूपी की 80 सीटें मैनेज करने की कोशिश में है। शायद यही वजह है समाजवादी पार्टी के वोटर्स और अखिलेश के साथी दोनों दूर होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। जाट वोटर समाजवादी पार्टी से दूर हुए, यानी पहले और दूसरे फेज में अखिलेश की पार्टी कमजोर हो गई। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे फेज में 16 सीटें हैं। पीलीभीत की सीट छोड़ दें तो 15 सीटों पर जाट वोटर्स का असर है। पश्चिमी यूपी के दलित वोटर्स में चंद्रशेखर का अच्छा खासा प्रभाव है। वो अपने लिए नगीना लोकसभा की सीट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां से अपना प्रत्याशी उतार कर इस अलायंस को भी खत्म कर दिया। चंद्रशेखर के अलग होने से पश्चिमी यूपी के दलित वोटर समाजवादी पार्टी से दूरी बना सकते हैं। 2019 के बाद मायावती ने भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया था। दलित वोटर्स में खास तौर पर जाटव वोट बैंक पूरी तरह मायावती के साथ है। मायावती इस चुनाव में किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। अखिलेश यादव को इस चुनाव में इसका भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से अलग हो गए। इसका नुकसान अखिलेश यादव को सीधे छठे और सातवें फेज के चुनाव में उठाना पड़ सकता है। छठे और सातवें फेज में लोकसभा की 27 सीटें दांव पर लगी। ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ पूर्वांचल के 18 लोकसभा सीटों पर राजभर वोटर्स की मजबूत पकड़ है। घोसी से लेकर वाराणसी तक की सीटों पर राजभर अखिलेश यादव को झटका देंगे। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि अखिलेश जिन मुस्लिम वोट बैंक के सहारे लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं उसमें से 20% मतदाता एनडीए के साथ जाएंगे। जितनी स्कीमें हैं किसी स्कीम पर बता दीजिए कोई रोक किसी जाति धर्म के लिए हो, सारी योजनाएं जो केंद्र और प्रदेश की बन रही हैं सबके लिए हैं। तो उस योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। इस नाते अल्पसंख्यक भी ये मान लिया कि हमको नफरत का बीज खाली लोग समझाते हैं बोते हैं और हमको कुछ मिलता नहीं है। अब वो भी धीरे धीरे मन बना लिया है वो बाईपास से देखिएगा ना, इस बार कम से कम बता रहा हूँ 15-20% मुसलमान भाजपा को वोट देने जा रहा है। कुर्मी वोटर भी इसी चुनाव में अखिलेश से दूरी बना सकते हैं। बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल से गठबंधन कर कुर्मी वोटर्स को पहले ही साध लिया है। अब पल्लवी पटेल की नाराजगी से कुर्मी वोटर्स के पास क्लियर मैसेज पहुँच गया है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी छोड़ते समय अखिलेश पर पिछड़े और दलितों और अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगा चुके हैं। इस बार अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में बना था। इस अलायंस में मायावती की बीएसपी थी, राष्ट्रीय लोकदल थी, छोटी पार्टियों में महान दल का भी समर्थन था लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीएसपी को 10 सीटें मिली तो समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। इस अलायंस के साथ यादव परिवार के 6 सदस्य 2019 लोकसभा चुनाव में उतरे थे लेकिन मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ही चुनाव जीत पाए, बाकी 4 को हार झेलनी पड़ी। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद गठबंधन बिखर गया और बीएसपी की राह एसपी से अलग हो गई। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी को रोकने के लिए छोटे छोटे दलों का अलायंस बनाया। इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी, एसबीएसपी, महान दल, अपना दल कामेरावादी और शिवपाल यादव की प्रस्पा थी। इस चुनाव में भी गठबंधन हारा लेकिन एसपी की सीटी 125 तक पहुंच गई। चुनाव के बाद सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहलदेव भारतीय समाज ने साथ छोड़ा, बाद में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर ने भी साथ छोड़ दिया। दरअसल पीडीए से पिछड़ा गायब है, दलित गायब है, अगड़ा गायब है, अल्पसंख्यक हैं तो पूरे यूपी में नहीं बल्कि उनका समर्थन कुछ हिस्सों में अखिलेश के साथ है। यादव भी मैनपुरी जैसी सीटों पर ही साथ है जहां जीत के चांस ज्यादा है। उधर बीजेपी ने 2024 चुनाव के लिए यूपी में 80 का टारगेट रखा है यानी हर सीट पर जीत। इसे पाने के लिए पार्टी ने अपने 2 पुराने दोस्तों से हाथ मिलाया है, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और जयंत चौधरी की आरएलडी, जबकि पुराने सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी भी गठबंधन में है। 2019 के वोट शेयर पर नजर डालें तो एनडीए के इस बार के सहयोगियों का उस वक्त कुल वोट प्रतिशत 52.9% रहा है। वहीं अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन की इन 4 पार्टियों का वोट प्रतिशत 47.2 रहा। 2019 लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो 18.5% का अंतर है। केंद्र में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और एसपी अलायंस को यह अंतर खत्म करना होगा लेकिन ये कैसे होगा क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। योगी पिछले 30 दिनों से 50 से अधिक रैलियां कर चुके हैं, खुद मोदी पीएम बनने के बाद 45 बार वाराणसी का दौरा किए हैं। इसके उलट अखिलेश यादव ने अभी तक कहीं प्रचार नहीं किया है, उनका सारा चुनावी अभियान सोशल मीडिया के भरोसे चल रहा है। अखिलेश यादव जनता के बीच नहीं दिखते जबकि योगी यूपी के एक एक जिलों का दौरा कर रहे हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें 6 महीने में
कांग्रेस और सपा बसपा को लीजिए, लड़ाई में ही लोग घूमते हैं, एक भी कहीं रैली इन लोगों की हुई? हम अकेले, अगर एनडीए के घटक दल अकेले हम बात करें तो महीने में हम 28 कर देते हैं, 27 नहीं होने देते हैं, 29 कर लेते हैं अकेले। और भारतीय जनता पार्टी, वो कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन उनके कार्यक्रम न होते हों। हम तो साथ हैं, देख रहे हैं, सभी मंत्री विधायक संगठन संघ सब लोग लगे हैं अपने काम में। और यहाँ सिर्फ एक्स पर लिखना और कभी कभी मन करता तो प्रेस कर देना, और इसके अलावा एक कार्यक्रम 6 महीने में बता दीजिए कि सपा ने किया हो।